किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट ने कहा कि किसान की खुशहाली के बिना आजादी अधूरी है। खुशहाली के दो आयाम है, ऋण मुक्ति और पूरे दाम। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास अब हमारा है। ये कहते हुए रामपाल जाट ने आगे बढ़ते हुए कहा कि आज 5 जून है, संपूर्ण क्रांति दिवस भी है और एक राष्ट्र एक बाजार के नाम पर 3 कानूनों के अध्यादेश भी आज के दिन लाए गए थे, जिसको 1 वर्ष पूरा हो गया। इस 1 वर्ष की अवधि में केंद्र सरकार को जिन मुद्दों पर सहमति बनी, जैसे संशोधन, 1.5 वर्ष तक कानूनों की क्रियान्वयन का स्थगन, तीसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून, ये काम तो कर देने चाहिए थे, लेकिन इन तीनों के संबंध में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया। चौथा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों ने केंद्रीय कानूनों में संशोधन के लिए अपनी विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित किए, उनके अनुमोदन के संबंध में कोई पहल नहीं की गई। ये भारत सरकार की, केंद्र सरकार की समाधान नहीं चाहने की दिशा है। हम चाहेंगे भारत सरकार आत्मावलोकन करे और ये काम बिना वार्ता के हो सकते हैं, इनको जल्दी पूरा करे और ये सारा आंदोलन सत्याग्रह की भावना से सत्य, शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सफलता प्राप्त करे। इस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। कोटा में आज लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के कार्यालय पर कानूनों की प्रतियां जलाई गई। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर पर विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दुलीचंद बोरंदा एवं समन्वय समिति के संयोजक फतेह चंद बागला, किसान सर्वोदय मंडल के हमीद गोड़, अखिल भारतीय किसान फेडरेशन के अब्दुल गफूर किसान नेता नंदलाल धाकड़, आम आदमी पार्टी के राजेंद्र मीणा, किसान महापंचायत के जितेंद्र सिंह महिला नेता पुष्पा खींची, मजदूर नेता रविंद्र सिंह सबीर अहमद, नरेंद्र सिंह आदि के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया। राजस्थान में 2 IITN बिना जमीन उगा रहे हर रोज 5 क्विंटल सब्जियां, हर महीने 7 लाख का बिजनेस, 40 लोगों को नौकरी भी दी। राजस्थान में 7 जून से खुलेंगे स्कूल, इसकी गाइडलाइन क्या है जानिए इसके बारे में। बीच राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र 2021-22 7 जून से शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इस दौरान कक्षाएं नहीं चलेंगी, बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ 50% स्टाफ ही स्कूल आ सकेगा। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन में बताया गया है कि 19 जून तक रोटेशन से फील्ड में विजिट करने वाले शिक्षकों और रोटेशन से स्कूल में उपस्थित होने वाले शिक्षकों का क्या क्या काम करने हैं। गाइडलाइन जारी करते हुए राजस्थान शिक्षा विभाग ने कहा, कोरोना महामारी में प्रदेश के शिक्षकों द्वारा क्वारंटीन सेंटर से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर आदि व्यवस्थाओं में सराहनीय कार्य किए गए हैं। 6 जून को विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, जिसके बाद 7 जून को विद्यालयों में अनुमत श्रेणी में स्टाफ उपस्थित होगा। वहीं 8 जून से 50% स्टाफ रोटेशन के आधार पर उपस्थित देगा। साथ ही जब तक सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेगा, तब तक मुख्यालय से बाहर वाले शिक्षकों को संस्था प्रधान आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा नए शैक्षणिक सत्र की टाइमलाइन घोषित की जा चुकी है। राजस्थान में वैक्सीन का वेस्टेज 2% से कम,
हेल्थ सेक्रेटरी सिद्धार्थ महाजन ने दी खास जानकारी। कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन की संख्या और वैक्सीनेशन कम वेस्टेज करने की दृष्टि से राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। अब तक 1,73,00,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। कोविड की तीसरी लहर से बच्चों के संक्रमण होने के अंदेशे के बीच राजस्थान में बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जेके लोन अस्पताल में तैयारियां तेज कर दी गई हैं।